मैं हूं राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है रैम के बारे में, पीसी का रैम। आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू चेक मैक्सिमम रैम कैपेसिटी ऑफ लैपटॉप, या फिर फाइंड आउट द मैक्सिमम रैम कैपेसिटी ऑफ पीसी। ठीक है, पीसी हो या लैपटॉप, उसका जो सबसे ज्यादा हम रैम कितना लगा सकते हैं उसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रैम है, ये देखिए यहाँ पे ये रैम है पीसी का। पीसी में इस तरीके, यानी कि जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में इसी तरीके रैम के स्लॉट दिए गए रहते हैं, और इस तरीके से रैम जो है हमारे पीसी में यानी कंप्यूटर में लगा रहता है। और लैपटॉप का जो रैम है वो भी कुछ इस तरीके से रहता है, लेकिन वो साइड से रहता है। इसको जो है ये जैसे खड़ा है तो खड़ा नहीं, ऐसे आड़ा रहेगा। ठीक है, सो कैसे पता करेंगे कि जो रैम लगाने की क्षमता है वो हमारे कंप्यूटर में कितनी है। मान लीजिए कि अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB का रैम है, ठीक है, समझ लीजिए कि आपको 8 GB का रैम है, और 8 GB से आप अपने कंप्यूटर का जो रैम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको जो है आप 16 GB करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर 16 GB सपोर्ट नहीं करेगा तो आप 16 GB रैम नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका पीसी 16 GB सपोर्ट करेगा तो ही आप इसमें 8 GB और रैम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आपका पीसी हैंग करेगा। सो ये 16 GB आपका कंप्यूटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है या फिर इससे ज्यादा है वो कैसे पता करें, इसी के लिए और इसी के बारे में ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सो इसका जानने का कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सबसे फास्ट, आसान और सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। ठीक है, सो इसके लिए हमें यहाँ पर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से विन और यानी कि यहाँ पे आपके जो लैपटॉप का कीबोर्ड है या फिर कंप्यूटर का, उसमें जो है विंडोज की होगी उसको प्रेस करना है कीबोर्ड से, यहाँ से नहीं कीबोर्ड से। उसके बाद से एक्स जैसे आप करेंगे, यानी कि विंडोज की एंड एक्स को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सामने ऑप्शन आएगा। अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में विंडो 11 है तो यहाँ पर ये रन कमांड को लाना है और हमें जाना है सीएमडी पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, हम डायरेक्ट भी यहाँ पर से जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा विंडो 11 है लैपटॉप में तो डायरेक्टली आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर सीएमडी टाइप कीजिए तो देखिए यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ जा रहा है। लेकिन कई सारे लोगों के लैपटॉप में नहीं आता है तो उनके केस में जो है विंडो और एक्स एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रन कमांड आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है टाइप करेंगे CMD, और यहाँ पर CMD टाइप करके ओके कर देंगे तो हमारे सामने ये जो है इस तरीके का कुछ विंडो आ जाएगा आपके सामने। इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताता है। सो दोस्तों, हमें अपने पीसी का जो मैक्सिमम रैम कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ कोड लिखने होते हैं, और वो कोड हमें पता होना चाहिए। तो वो कोड मैंने यहाँ पर लिख कर रख दिया है, देखिए यहाँ पर ये कोड है। ठीक है, मेमोरी फिजिकल गेट मैक्सिमम कैपेसिटी। सो आपको यहाँ पर इसको टाइप कर देना है। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पर साइड में कर लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि हम इसको देख कर टाइप कर सकें। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ WMIC स्पेस MEMPHY एंड SICAL फिजिकल GATGET MAXCAPACITY। ओके, हमने यहां पर ये जो कोड था उसको हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। सो यहां पर मैक्स कैपेसिटी जो हमारे पीसी के रैम की है वो यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि आ रहा है, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। वाकई में देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा 8 GB लिखा हुआ हो तो पता चल जाएगा 8 GB है, 6 GB है पता चल जाएगा, 4 GB है पता चल जाएगा, 16 GB है पता, पर इसमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो पीसी का रैम मैक्सिमम रैम कैपेसिटी है वो इतना है, इससे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो आपको डाटा दिया जा रहा है ये है बाइट में, इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जीबी में, तब हमें पता चलेगा कि मेरे पीसी में कितना जीबी रैम का मैक्सिमम कैपेसिटी है। सो हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं। चलिए, ये कैलकुलेटर है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये हमारा कैलकुलेटर है। ठीक है, अब कैलकुलेटर में हम जो है यहाँ पर इसको टाइप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ये जो नंबर्स है इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ओके, ये कुछ नंबर्स है स्क्रीन पर ये वाला।
अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि ये जो बाइट है इसको केबी है सॉरी केबी है इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से 1024 से, तो ये एमबी में आ जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं तो 65536 एमबी आया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे फिर से 1024 से, तो ये जो है जीबी में आ जाएगा। सो हम इसको डिवाइड करते हैं 1024 से, तो ये जीबी में आ गया। देखिए ये 64 आ गया, यहाँ पर 64 का आंकड़ा आया है, तो ये आ गया जीबी में। यानी कि हमारे मेरा जो ये पीसी है उसकी मैक्सिमम रैम कैपेसिटी 64 जीबी है, यानी कि 64 जीबी तक मैं अपने पीसी में रैम लगा सकता हूँ और उसके लिए अंदर जो है सुविधा दी गई है। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा पूरा कंप्लीट प्रोसेस से आप लोग अपने लैपटॉप और पीसी कंप्यूटर का मैक्सिमम रैम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप उसमें डिवाइड करके 1024 से डिवाइड करेंगे तो पहले एमबी आएगा, फिर उसको जितना आएगा उसमें 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर जीबी में पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप का या फिर पीसी का मैक्सिमम रैम कैपेसिटी या फिर फिजिकल मेमोरी रैम कितना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी सपोर्ट करेगी, उसके हिसाब से अब लगा सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 64 जीबी रैम सपोर्ट करेगा मेरे पीसी में, तो अभी फिलहाल ये 8 जीबी है, तो मैं इसको 16 जीबी कर सकता हूँ, ठीक है 32 जीबी कर सकता हूँ, 64 जीबी तक जो है मैं अपने पीसी में रैम लगा सकता हूँ। सो दोस्तों ये था वीडियो कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में पीसी में या फिर आपके जो भी मतलब आपके पास डिवाइस है उसमें विंडोज में कितना रैम कैपेसिटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।